जुलाई 2022 का महीना बीत चुका है और इसके साथ ही विभिन्न कार कंपनियों ने अपने सेल्स फिगर है वो हमारे सामने जारी कर दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में विभिन्न कंपनियों द्वारा कितनी कारें भारतीय बाजार में बीते महीने यानी जुलाई 2022 में बेची गई, इस बात की जानकारी आपको देंगे। नमस्कार प्यारे मित्रों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि कारों के सेल्स फिगर आपको सबसे पहले मिल सके। साथियों, अंतिम नंबर से शुरू करें तो 15वें स्थान पर फोर्स रही है, 210 यूनिट उसकी बिकी है, जबकि 14वें स्थान पर सिट्रोन रही है। सिट्रोन में सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज देखें तो वृद्धि हुई है क्योंकि C3 लॉन्च होने के बाद इसकी बिक्री अचानक से बढ़ गई है, 575 यूनिट बिकी है। पिछले साल यानी जुलाई 2021 इसकी तुलना करें तो उस समय केवल 40 यूनिट C5 एयरक्रॉस की बिकी थी, अब C3 की कंट्रीब्यूशन के चलते ये 573 तक पहुँच चुकी है। हो सकता है आने वाले समय में एक दो महीने में ये FC यानी जीप को भी पीछे छोड़ दे। 13वें स्थान पर जीप रही है, जीप की हालांकि जो बिक्री है वो बड़ी है, 24% ज़्यादा बिक्री हुई है जुलाई 2022 में, जीप की 1150 यूनिट बिकी है और जुलाई 2021 की तुलना करें तो उस समय 930 यूनिट बिकी थी। 12वें स्थान पर फॉक्सवैगन रही है, अपनी टाइगोन के बल पर 2915 यूनिट इसकी बिक चुकी है, हालांकि 49% बढ़ोतरी हुई है बिक्री में फॉक्सवैगन के भी क्योंकि जुलाई 2021 में केवल 1962 यूनिट बिकी थी। निशान की बात करें तो 11वें स्थान पर रही है, हालांकि वर्ष 10 वर्ष की तुलना करें तो इसकी बिक्री है वो कम हुई है क्योंकि निशान की जुलाई 2022 में केवल 3667 यूनिट बिकी है, 3667 यूनिट बिकी है और ये मैग्नाइट के बल पर है ऐसा आप मान सकते हैं। हालांकि जुलाई 21 से तुलना करें तो उस समय 4259 यूनिट बिकी थी, तो काफ़ी फर्क है, 14% गिरावट आई है बिक्री में। 10वें स्थान पर मॉरिस गैरेजेज या MG रही है, इसकी बिक्री भी 5% गिरी है, 4013 यूनिट जुलाई 2022 में इसकी सेल हुई है, लेकिन जुलाई 2021 यदि इसकी तुलना करें तो उस समय 4225 यूनिट बिकी थी, तो कोई बहुत बड़ा फर्क या बहुत बड़ी गिरावट नहीं आई लेकिन गिरावट आई है। इसी तरह से 9वें स्थान पर स्कोडा रही है और शानदार 44% बढ़ोतरी हुई है, स्कोडा की बिक्री 4447 यूनिट तक पहुंच चुकी है जुलाई 2022 में, जो जुलाई 2021 में केवल 3080 यूनिट थी। 8वें स्थान पर होंडा रही है, 7वें और 8वें स्थान पर होंडा और रेनो के बीच में आमतौर पर कंपटीशन होता है कि 7वें स्थान पर कभी होंडा चली जाती है तो कभी रेनो, इस बार रेनो ने बाजी मारी है, 7वें स्थान पर रही है और 8वें स्थान पर होंडा रही है। हालांकि होंडा की बिक्री 12% लगभग बड़ी है, 6784 यूनिट बिकी है जुलाई 2022 में, जो ज़्यादा है जुलाई 2021 से क्योंकि उस समय 6055 यूनिट बिकी थी। जैसा कि हमने चर्चा की, नंबर 7 पे रेनो रही है, रेनो ने कुल 7128 यूनिट बेची है, हालांकि ये 27% कम है जुलाई 2021 से क्योंकि उस समय 9787 यूनिट बेची थी और 9000 से ज़्यादा यूनिट जून में भी बेची थी यानी जुलाई से पहले महीने में, लेकिन रेनो होंडा को भले ही उसने पीछे छोड़ दिया हो पर बिक्री में 27% गिरावट आई है। टोयोटा नंबर 6 पे रही है और बढ़ोतरी हुई है 50% की। साथियों, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि टोयोटा किया को बहुत जल्द पीछे छोड़ देगी अपनी फॉर्च्यूनर और अर्बन क्रूजर के बल पर। हालांकि टोयोटा की जो बिक्री है 19693 यूनिट तक पहुंच चुकी है जुलाई 2022 में, जो जुलाई 21 से 50% ज़्यादा है क्योंकि जुलाई 21 में 13103 यूनिट बिकी थी। नंबर 5 पे किया रही है, किया और महिंद्रा के बीच में हालांकि कंपटीशन है वो अभी भी चल रहा है, लेकिन महिंद्रा लगातार नंबर 4 पे रह रही है और किया नंबर 5 पे रह रही है। किया ने इस बार यानी जुलाई 2022 में 22022 यूनिट बेची है, 22022 यूनिट बेची है, जो 47% ज़्यादा है जुलाई 2021 से जब 15016 यूनिट बेची थी। चौथे स्थान पर जैसा कि हमने चर्चा की, महिंद्रा एंड महिंद्रा रही है, बिक्री भी बड़ी है, 38% बिक्री है वो महिंद्रा की बड़ी है। जुलाई 2022 में महिंद्रा ने कुल 24238 यूनिट बेची है और ये जैसा कि हमने चर्चा की 38% ज़्यादा है क्योंकि जुलाई 21 में केवल 17595 यूनिट बिकी थी। नंबर 3 पे टाटा रही है, नंबर 3 और 2 में टाटा और हुंडई के बीच में हमेशा से टक्कर रहती है, लेकिन पिछले लगातार 2 महीने से हुंडई टाटा को पीछे छोड़ रही है और अपना दूसरे स्थान है वो उसे पक्का कर रही है। टाटा की बिक्री में शानदार बढ़ोतरी हुई है, 57% बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उसके बावजूद वो नंबर 3 पे हैं, लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। टाटा ने 4-5 रिकॉर्ड इसी एक महीने में बना ली है, यानी सबसे ज़्यादा एक महीने में यदि सबसे ज़्यादा ईवी की बिक्री की बात करें तो टाटा ने इसी महीने यानी जुलाई 22 में बेची है। टाटा टिगोर की सबसे ज़्यादा बिक्री जुलाई 2022 में हुई है और ये जो फिगर है टाटा ने
जो जुलाई 2022 में 47,506 यूनिट बेची है। ये भी हाईएस्ट एवर है। इससे पहले एक महीने में टाटा ने इतनी कारें कभी नहीं बेची। 57% ज़्यादा है वर्ष दर वर्ष की तुलना करें तो, क्योंकि जुलाई 21 में 30,184 यूनिट बिकी थी। हालांकि जून की बात करें तो उस समय 45,000 से ज़्यादा यूनिट बिकी थी और वो भी हाईएस्ट एवर था, लेकिन जून का रिकॉर्ड जुलाई आते आते टूट चुका है। तो क्या हम ये आशा कर सकते हैं कि टाटा अगस्त में अपनी जुलाई का रिकॉर्ड तोड़ के 50,000 का सेल्स फिगर को क्रॉस कर पाती है? नहीं, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय अवश्य रखिएगा। हुंडई की बात करें साथियों, उससे पहले आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछेंगे। हुंडई बेसिकली किस देश की कंपनी है? ये आप यदि जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी जो कमेंट है, आंसर है, वो अवश्य छोड़ें। हुंडई की सेल्स है वो 5% बढ़ी है, 50,000 को पार कर गया है, 50,050 यूनिट बिकी है, जो जुलाई 2021 से कुछ ज़्यादा है, क्योंकि जुलाई 2021 में 48,042 यूनिट बेची थी, 48,042 यूनिट बेची थी। नंबर वन पर हमेशा की तरह ही मारुति सुजुकी रही है। मारुति सुजुकी की टक्कर में हाल फिलहाल कोई नहीं है, दुगने से भी ज़्यादा का फर्क है नंबर वन और नंबर टू में। मारुति सुजुकी ने इस बार 1,29,802 यूनिट बेची है, और ये केवल और केवल डोमेस्टिक सेल हम आपको बता रहे हैं सभी कंपनियों की, इसमें जो एक्सपोर्ट हुआ है वो हम शामिल नहीं कर रहे हैं। जुलाई 21 से मारुति सुजुकी की बिक्री की तुलना करें तो उस समय 1,23,675 यूनिट बेची थी, जो अब बढ़ करके 1,29,802 यूनिट हो चुकी है, यानी 5% की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि मारुति सुजुकी और हुंडई और किया जैसी वो कंपनियां हैं जो सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई, उसमें रेनो और निशान भी शामिल है, लेकिन अब धीरे धीरे सेमीकंडक्टर चिप की जो शॉर्टेज है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। भारत ही नहीं बल्कि पूरे देश में जो पूरे संसार में, विश्व में जो मंदी का दौर था वो भी धीरे धीरे अब ख़त्म होने की ओर आ रहा है। लोग एक बार फिर से उठ खड़े हुए हैं ये मान सकते हैं। तो आने वाले समय में ये जो कारों के सेल्स फिगर है वो निश्चित तौर से बढ़ेंगे, और एक समय ऐसा आएगा जब मारुति सुजुकी की बिक्री 1,50,000 को फिर से छुएगी, हुंडई की बिक्री 60,000 को फिर से पार करेगी, और टाटा मोटर्स निश्चित तौर से 60,000 के आसपास अपने वाहन फिर से बेचेगी। तो साथियों, ये तो ब्रांड वाइज सेल्स फिगर है, वो हमने आपको बताया कि कौन सी कंपनी ने कितने जो वाहन है या कारें बेची। वाहन का नहीं कहेंगे, क्योंकि वाहन में यदि वाहन को ऐड कर दें यानी ट्रक वगैरह को ऐड कर दें तो टाटा मोटर्स की जो सेल्स है वो 81,000 तक बढ़ जाती है। हम सिर्फ यहाँ कारों की बात कर रहे हैं, तो हमने आपको जानकारी दी सबसे ज़्यादा बिकने वाली कारों की। साथियों, अगले वीडियो में हम टॉप 25 बेस्ट सेलिंग जो कारें हैं, यानी बीते महीने जुलाई 2022 में 25 सबसे ज़्यादा बिकने वाली जो कारें हैं, उनकी सूची आपके सामने पेश करेंगे। निश्चित तौर से आपकी मनपसंद कार भी उसमें शामिल होगी। वीडियो के अंत में आपसे एक निवेदन अवश्य करना चाहूँगा। साथियों, हम हर महीने आपके सामने कारों के सेल्स फिगर लाते हैं, और भी ढेरों जानकारियां कारों से जुड़ी है वो आपके साथ साझा करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग हमारा वीडियोज़ भी देखते हैं, जिसके चलते हमें प्रोत्साहन मिलता है और हम नए नए वीडियो बनाते हैं। लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि एक छोटा चैनल है, इसे क्या सब्सक्राइब करना। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि सब्सक्राइब की संख्या जब बढ़ेगी तो जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारा हौसला भी बढ़ेगा। आशा करेंगे आप हमारा ये निवेदन स्वीकार करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।